सुप्रीम कोर्ट के अक्षय के रिव्यू पिटीशन खारिज करने के बाद पूरे देश को इंतजार था तो पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का कि कब वो डेथ वारंट जारी करेगा। फिलहाल 7 जनवरी तक के लिए इसे टाल दिया गया है। ऐसे में निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने, देखी रिपोर्ट। लेकिन उसकी डेट अभी तक मुकर्रर नहीं है और डेट के लिए एक बार फिर और डेट दे दी गई, 7 जनवरी की डेट दे दी गई है। जी बिल्कुल, 7 जनवरी की डेट दी गई, उसके दो कारण है। एक तो बीच में विंटर वेकेशन भी हो गए हैं, तो वो विंटर वेकेशन 5 जैन को ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए 7 जैन की डेट, उससे पहले 24 से विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो रिव्यू पिटीशन आज अक्षय का डिसमिस हुआ, तो अक्षय का रिव्यू पिटीशन जब उसके जो लॉयर ने एपी सिंह ने जब ये स्टेटमेंट वहाँ दिया, मतलब वहाँ एक कोर्ट से प्रे किया कि उनको 3 वीक्स का टाइम दिया जाए, लेकिन वो 3 वीक्स का टाइम के लिए जब हमारे तरफ से आर्गुमेंट किया गया हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कि जब एज पर लॉ 7 डेज का प्रोविजन है तो थ्री वीक्स का इनको टाइम नहीं दिया जाना चाहिए, तो 7 डेज का टाइम जो है वो नोटिस तिहाड़ जेल प्रशासन अक्षय को करेगी कि अगर वो मर्सी फाइल करना चाहता है या नहीं, तो जैसा भी होगा वो स्टेटस रिपोर्ट अब 7 जनवरी को आएगी। ये नोटिस चारों दोषियों को दिया जाएगा, खाली अक्षय को दिया जाएगा? ये नोटिस अक्षय को दिया जाएगा, क्योंकि चारों दोषियों को तो पहले एक नोटिस दिया जा चुका है, ये सभी को पता है। तिहाड़ डीजी ने इनको नोटिस किया था करीब 2 महीने पहले कि आपके पास मर्सी फाइल करने का राइट है, 7 डेज का अगर आप नहीं करते हैं तो हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे कि एग्जीक्यूशन का, डेथ सेंटेंस का ऑर्डर किया जाए। क्या उम्मीद करें 7 जनवरी जो आप डेट बता रहे हैं, अगली डेट दी है, उस दिन कोई डेथ वारंट जारी हो सकता है कि उसके बाद भी, क्योंकि जो दोषियों के वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं क्यूरेटिव पिटीशन उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाना है। नहीं नहीं, उनके पास देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्सी में जाने का राइट है, बट कब तक? तो अगर मर्सी पेंडिंग नहीं है इस विद इन 7 डेज अगर वो नहीं जाते, जैसे कि इसमें मुकेश और पवन जो कि मर्सी फाइल करने के लिए, मर्सी पिटीशन फाइल करने के लिए रिटन एड राइटिंग में दे चुके थे पहले ही, इसी पर आज कोर्ट में आर्गुमेंट भी हुई है, लेकिन वो दोबारा से फिर बोले कि मुझे मर्सी फाइल करनी है, लेकिन कब करनी है? अगर पेंडिंग है तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई मर्सी पेंडिंग नहीं है तो फिर ऑर्डर कर सकती है कोर्ट इस भी आप पे। थैंक यू। तो निर्भया के जो दोषी है उनको फांसी की सजा की तारीख कब मुअक्कल हो, इसके लिए 7 जनवरी की तारीख है। अब देखना यह है कि 7 जनवरी को जो अक्षय को जेल प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया जाना है उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी, और उसके बाद देखना है कि क्या 7 जनवरी को कोई अहम फैसला आ सकता है। कैमरामैन पिंटू के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़।